डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का प्रश्न नंबर 16 करने वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री का। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री का ये प्रश्न नंबर 16 इस तरह से है। एक समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती खड़ी है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है और दिया हुआ क्या है, इसमें एक्स वाई इसका आधार है, एक्स वाई, और साथ में कहा है कि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर को, ठीक है, बाईं ओर को, तो एक्स वाई का बाया साइड कौन सा हुआ, ये वाला, ये दाया, ठीक है, ये बाया हुआ, तो बाई ओर को 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब आप एक्स वाई पर, और आकृति कौन सी है, ये त्रिभुज शुंडाकार समबाहु त्रिभुज शुंडाकार, ठीक है, समबाहु त्रिभुज शुंडाकार है और त्रिभुज जो है उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और शुंडाकार की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। यहां वाई पॉइंट की तरफ आप एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर, और डी की सहायता से या प्रकार की सहायता से आप 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हो गया 90, ठीक है, बिल्कुल सीधा 90 हो गया। अब इसका समीकरण करेंगे और 45 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आकृति बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि शुंडाकार है, इसमें इस तरह से आकृति बनेंगे, शीर्ष एक बिंदु होगा और नीचे त्रिभुज होगी। ठीक है, इस तरह की आकृति होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा 45 डिग्री वाली लाइन। 3 सेंटीमीटर हम स्केल की सहायता से यहां पर 3 सेंटीमीटर का ये निशान लगाएंगे और इसको लिख देंगे ए बी, ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आप यहां हमने त्रिभुज बनानी है, प्रकार को लेंगे ए बी के बराबर और चाप लगाएंगे, सी इस तरह से हमारी एक त्रिभुज बन जाएगी यहां पर नीचे। अब क्योंकि ये एक शुंडाकार है, इसकी आकृति मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है त्रिभुज शुंडाकार, क्योंकि इसके आधार पर त्रिभुज बनी हुई है। ठीक है, और सभी भुजाएं शीर्ष पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए, सभी भुजाएं यहाँ से ये गई, यहाँ से ये आई और यहाँ से ये आई, एक बिंदु पर बीच में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, किन दो कोणों का समद्विभाजन करेंगे,
ठीक है। और ये आ गया हमारा इसका शीर्ष बिंदु, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओ। ये है ऊपरी वृष्णा, कि ये जो ये वाली आकृति है, इस आकृति को अगर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अब हमने सामने दृश्य बनाना है, तो वो आएगा इस तरह का, ठीक है। उसमें समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु O से बिल्कुल सीधा प्रोजेक्शन उठाएंगे, D की सहायता से उठा सकते हैं, ठीक है। और जब ये पॉइंट O से उठा दिया ऊपर को, और A से उठाएंगे, परंतु उसको यहीं तक लेके आएंगे, और यहां लिख देंगे इसको A1, ये A, ये A1, और C से उठाएंगे, जब ये XY पर पहुंचेगा C वाला, C1 कहेंगे, और B से उठाएंगे और उसको B1 कहेंगे, ठीक है। ये हो गई, सभी प्रोजेक्शन ऊपर को चले गए एक्स वाई तक, परंतु जो ओ का प्रोजेक्शन था वो ऊपर तक चला गया, ठीक है। ये हमें शीर्ष बिंदु देगा यहाँ जाकर, ठीक है। अब ये जो ये है शून्यकार, इसकी ऊंचाई कितनी बोली गई है, 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप स्केल की सहायता से इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक 5 सेंटीमीटर तक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये ओ था, इसको हम O1 कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो साइड वाले पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, B1 और C1, इसको आप पक्का कर देंगे, यह हो गया। अंदर कौन सा बच गया, A1, इसको आप डॉटेड रखेंगे, क्योंकि ये छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्न नंबर 16 की आकृति बन गई, समबाहु त्रिभुज शून्यकार। थैंक यू।